हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। आज मैंने आपकी शेयर की है कोको पाउडर की और चॉकलेट के साथ केक, जो बहुत ही फ्लफी सॉफ्ट रुई के समान है। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई में मैं हमेशा ढोकले और केक वगैरह इसी में बनाती हूँ, तो आप इस तरह की एक कढ़ाई ले लीजिएगा और इसे हम प्री हीट होने देंगे। थोड़ी देर मैं इसे पहले प्री हीट में रख देती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए, और फिर इसके बाद हम अपने स्टैंड भी इसमें मैंने रख दिया है। और अब मैं अपने आगे की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक टिन लिया है केक के लिए, जर्मन का, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले लीजिएगा। और मैं इसे ऑयल से या घी से, बटर से, आपके पास जिससे भी आप इसे ग्रीस करना चाहें अच्छे से इसे ग्रीस कर लीजिएगा। पूरा ऑयल सभी पूरे बर्तन में अंदर की साइड आप लगा लीजिएगा। अब इसमें हम ले लेंगे मैदा। हम इसी तरीके से मैदे को छिड़क के पूरे बर्तन पे लगा लेंगे, फैला लेंगे, जिससे कि आपको इसमें बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रोसेस से आपको बटर पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम इसे रख देंगे साइड में। यहाँ पर मैंने लिया एक बाउल लिया है। अब इसमें मैंने एक बड़ा कप जो है वो ऑयल लिया है। ये मैंने, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। ऑयल मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं उसी कप के अकॉर्डिंग 3/4 शुगर ऐड कर दूँगी। उसी कप से है ये सिमिलर, तो ये 3/4 शुगर मैंने लिया है। अब जो शक्कर है, चीनी की क्वांटिटी है, आप अपने टेस्ट के अनुसार रखिएगा। और इसे हम अच्छे से फेंट के मिक्स कर लेंगे तब तक कि शक्कर घुले ना। शक्कर वैसे भी मैंने इसमें पिसी हुई ली है, तो जहाँ तक वो आप पिसी हुई लीजिएगा, ठंडे में जल्दी घुल जाएगी ऑयल के साथ। अब मैंने इसमें लिया है उसी कप से 1.5 कप मैदा। तो पहले मैंने 1 कप डाल दिया है, इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये देखिए, हम इसे कर देंगे मिक्स। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसी से मैं 1/2 कप और ले लूँगी। तो ये मैंने लिया है, अब हम इसे कर देंगे मिक्स। अब आप जब भी इसे मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो पहले मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिला लेती हूँ। तो मैंने इसी में छोटे वाले जो कप लिया है उसी से मैंने बेकिंग जो पाउडर है वो 3/4 स्मॉल टीस्पून लिया है। जो मैंने मैदा लिया है उसी से, और बेकिंग सोडा लिया है, और ये मैंने पूरे को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। बेकिंग सोडा जो है, आप बेकिंग सोडा को 1/4 ही लेना है। और अब हम 1 कप दूध लेंगे, जिससे हमने मैदा लिया है उसी कप से हम 1 कप दूध लेके अच्छे से इसे फेंट लेंगे। और अच्छे से हमें इसे अच्छा सा एक बैटर तैयार करना है, बहुत ही स्मूथी। और इसे अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के फेंट लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपको फेंटना है। बेकिंग सोडा आपको 1/4 टीस्पून लेना है, और बेकिंग पाउडर है वो 3/4 टीस्पून लेना है। जिससे भी आप टीस्पून मेजरमेंट करेंगे तो आप इसी तरीके से रखिएगा। अब इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। हल्का सा दूध मैं और ले लूँगी, क्योंकि मैंने अभी 3/4 कप लिया था, तो फुल हमें 1 कप दूध लेना है। और ये देखिए, ये बैटर कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। ये देखिए, इसी तरह हमें अच्छे से इसे फेंटना है। ये वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट रखा है, इसलिए आपको लग रहा है, तो आप अच्छे से फेंट के इसे हमें, जिसमें इसमें डगले ना रहें। अब मैं इसमें कोको पाउडर डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून, जो स्मॉल टीस्पून है मैंने उसी से लिया, जिससे बेकिंग सोडा पाउडर लिया है, बेकिंग पाउडर जिससे लिया है उसी से मैंने 1 टीस्पून कोको पाउडर लिया है। तो कोको पाउडर आप और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ, हर्षी का है जो, तो ये मैंने चॉकलेट सिरप यूज़ किया है, इसलिए मैंने कोको पाउडर कम लिया है। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप अवेलेबल नहीं है तो आप कोको पाउडर ही ऐड करिएगा 1 से 2 चम्मच, और या फिर आप किसी भी चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा बॉयल पानी में। बॉयल पानी करके उसके ऊपर कटोरी रख के आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। और ये मेरा रेडी है। ये देखिए, अच्छे से हम इसे बैटर को कर लेंगे तैयार, कि ताकि इसमें कोई भी डगले
ना रहे, ये देखिए बहुत बढ़िया सा हो चुका है। अब हम इसे, ये लगभग रेडी है, अब हम इसे रख देंगे। इसमें थोड़ा सा चॉकलेट मैं और ऐड कर दे रही हूँ, इसलिए मैंने शुगर कम लिया था, शक्कर, क्योंकि मुझे ये सिरप ऐड करना था। और ये देखिए अब मैं इस टिन में इसे ऐड करके रख दूँगी। ये देखिए पहले मैं इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर देते हैं हम, ये टूटी फ्रूटी गई। अब फिर से मैं इसमें बैटर कम मिला दूँगी और इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले पूरा बैटर आप अच्छे से मिला दीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिए अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और टूटी फ्रूटी और नट्स ऐड कर दूँगी। नट्स में आप बादाम, किशमिश और ये अपने चेरी वगैरह भी ले सकते हैं, अखरोट, काजू, जो भी आपके पास अवेलेबल है, अच्छा लगता हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब इसे थोड़ा सा डिप करके अब मैं इसे प्री हीट कढ़ाई जो मैंने ली थी उसमें डाल दूँगी। अब मैंने इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आप चाहे तो बैटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे, हमारे यहाँ थोड़ा कम का वनीला एसेंस का टेस्ट पसंद है, तो मैंने इसलिए ऊपर से ही थोड़ा सा खुशबू के लिए डाला है। आप बैटर के अकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। और इसे थाल से अच्छे से ढक के हमें 45 मिनट्स के लिए इसे रखना है। ये देखिए 45 मिनट्स के बाद यहाँ पर मेरा बैटर केक रेडी है। अब मैं इसमें एक नाइफ़ को बीच में हम मैं डालूँगी, क्योंकि बीच से ही हम केक पका है या नहीं पता कर सकते हैं। ये देखिए नाइफ़ बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब केक पक चुका है। तो बीच से ही आप टेस्ट करिएगा, टूथपिक या कुछ भी आप नाइफ, चम्मच, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे डिप करके हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ये देखिए ऐसे। और ये देखिए कितना फ्लफी, कितना सॉफ्टी केक मेरा रेडी हुआ है। अब मैं इसे पलटा के इसमें मैं ऐड कर दूँगी हर्षी चॉकलेट ऊपर से। आप चाहे तो कॉफ़ी चॉकलेट को बना के भी यूज़ कर सकते हैं, सिरप जैसा मैंने आपको बताया है, या फिर आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा इसे चॉकलेटी कर देती हूँ। तो ये केक हो गया रेडी। ये देखिए क्या सुंदर कलर आ गया। अब ये केक है रेडी लगभग। तो ये बन चुका है मेरा। और दोस्तों ये जो आप केक बनाते हैं तो 45 या 50 मिनट तक आप बिल्कुल थाली को उठाइएगा मत। और ये देखिए ये हो गया है रेडी, केक हो गया है रेडी। बहुत फ्लफी और बहुत सॉफ्ट लुई के समान ये देखिए चॉकलेट केक है रेडी। अब इसे आप इंजॉय करिए इस ठंडियों में, क्रिसमस डे में। तो ये रहा रेडी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स, कमेंट्स, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।